नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। वाईफाई कैमरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है लोगों में, समझ में नहीं आता कि कौन सा वाईफाई कैमरा परचेज़ करे या वाईफाई कैमरा परचेज़ करे भी कि नहीं करे, आपके लिए सूटेबल है या फिर परचेज़ करे तो कहाँ से करे, ऑफलाइन करे ऑनलाइन करे, यह सवाल काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में आती हैं। और आज का वीडियो इसी पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कई ऐसी जगह है जहाँ पर वाईफाई कैमरा आपको नहीं परचेज करनी चाहिए, और ऑफलाइन या ऑनलाइन कौन सा बेटर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो रहेगी, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले वाईफाई कैमरा किन के लिए बेस्ट होता है? अब मेरे अनुसार जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस हासिल किया है, वाईफाई कैमरा जहाँ सिंगल स्टैंड अलोन कैमरे की ज़रूरत है, जहाँ ज़्यादा कैमरे की ज़रूरत नहीं है, एक या दो मैक्सिमम, इन फ्यूचर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा कैमरे की, वहाँ के लिए सिंगल वाईफाई कैमरा बेस्ट होता है। क्योंकि आपको पता ही है कि रिकॉर्ड होता है माइक्रो एसडी कार्ड में, ऑनलाइन देख सकते हैं, एक या दो कैमरे को आसानी से आप देख सकते हैं, लेकिन दो से जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ के लिए ये बेस्ट नहीं होता। एक और चीज़, 10x10 या 10x15 के जो है एरिया है वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ बेबी मॉनिटर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कंफर्टेबल है, आप ऑफिस भी ले जा सकते हैं, घर भी ला सकते हैं, तो आसानी होती है। तो ऐसी नीड है आपको तो ये बेस्ट है, परफेक्ट है आपके लिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा कैमरे की ज़रूरत पड़ने वाली है इन फ्यूचर, तो वाईफाई कैमरे पर नहीं जाना है, आईपी कैमरे को ले लीजिए, सिंगल भी चलता है, माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आप उसे अपने DVR या NVR में इन फ्यूचर ऐड कर सकते हैं। हालांकि कई वाईफाई कैमरे ऐसे हैं जैसे इजविस के हैं, IMOU के हैं, जो कि हिकविजन या डहुआ के NVR में ऐड हो जाते हैं। तो अगर ऐसे वाईफाई कैमरे आप परचेज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी ये यूज़ हो जाएंगे, लेकिन इसके मैक्सिमम फीचर काम नहीं करते, जैसे पेंटिल वाला फीचर काम नहीं करता, और भी कई फीचर्स हैं वह काम नहीं करता, वह एक सिंपल कैमरा बन जाता है NVR में लगने के बाद। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब जो सवाल है कि वाईफाई NVR जो आता है 4 का सेटअप 8 का सेटअप, क्या वो बेस्ट है, क्या वो सूटेबल है? तो अब तक मैंने जो एक्सपीरियंस हासिल किया है, मुझे ये कैमरे ये सेटअप सक्सेसफुल नहीं लगते। कई जगह पर आपको जो है डिस्कनेक्शन का इशू आ जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, वीडियो लॉस का इशू आ जाता है, नो लिंक का इशू आ जाता है, क्योंकि वो वाईफाई से आपका कनेक्ट होता है। कंपनी 100 मीटर लिखती है लेकिन 100 मीटर नहीं होता, 30 से 35 40 मीटर तक ही होता है, बीच में ऑब्स्टेकल आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका वाईफाई NVR सेटअप जो है सक्सेसफुल नहीं है, और यह अभी इंडिया में बेहतर वर्क कर भी नहीं रहा है। तो अब भी लोग एनालॉग HD या फिर IP पे रिलाय कर रहे हैं। वाईफाई कैमरे की दुनिया अब तक बेस्ट नहीं बन पाई है, तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। अगर आपका फॉल सीलिंग है और छोटे छोटे पार्टीशन बने हुए हैं और सीलिंग सेम है जैसे बैंक में होता है, तो उस केसेस में आप वाईफाई NVR सेटअप यूज़ करें, अदरवाइज ना करें। और मैंने पहले भी आपको बताया कि वैसे वाईफाई कैमरे को यूज़ करें जो बाद में आपको यूज़ हो सकते हैं, जैसे इजविस के आप एक विजन में ऐड कर सकते हैं, IMOU के आप जो है डवा में ऐड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, CP+ का जो वाईफाई जो इजी लाइफ वाला आया है, उसे आप CP+ के DVR NVR में ऐड नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप अगर MI के लेते हैं, Realme के लेते हैं, TP-Link के लेते हैं, तो सिंगल ही अगर आपको ज़रूरत है तो वैसे आप वाईफाई कैमरा परचेज कीजिए। अगर सिंगल जरूरत नहीं है तो प्लीज नहीं परचेज कीजिएगा, बहुत परेशान हो जाइएगा। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं बेस्ट कैमरा। तो मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम शुरू किया है जो कि पर्सनल असिस्टेंट प्रोग्राम है, मैं आपको आपकी ज़रूरत के अनुसार मैं बताता हूँ कि कौन सा कैमरा आपको लेनी चाहिए, कौन सा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में CCTV को लेकर काफ़ी ज़्यादा भ्रम है, और जिस कारण से लोग गलत कैमरे ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। तो छोटी सी फीस अगर उसे आप पे करके मेरे इंस्टाग्राम YFM सिक्योरिटी में ज्वाइन कीजिए, और उसे पे करके आप अगर बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलता है तो आप निसंदेह काफ़ी पैसे आप बचा पाएंगे, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको जरूरत है बेस्ट सजेशन की। तो आगे बढ़ते हैं, नॉन ब्रांडेड वाईफाई कैमरे को परचेज नहीं करना। नॉन ब्रांडेड जैसे काफ़ी ज़्यादा है, 1100-1200 में, जेब्रोनी भी एक ब्रांड है बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। काफ़ी ऐसे ऐसे वाईफाई कैमरे हैं जो मार्केट में मिल रहे हैं, ऑनलाइन मिल रहे हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में मिल रहे हैं, आपको परचेज नहीं करने चाहिए। जैसे इजविज, IMOU, MI, Realme, TP-Link, ये सारे कैमरे आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी दिनों से चल रहा और सक्सेसफुली रन करते हैं, कोई इशू नहीं है। बट नॉन ब्रांडेड वाईफाई कैमरा आप परचेज करते हैं तो
तो दिक्कत आपको ऑनलाइन में आ जाएगी। कई बार तो मैंने देखा है कि वो ऐप ही नहीं मिल रहा है जो ऐप रिकमेंड किया गया है, तो ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सस्ता नहीं, बेस्ट की ओर भागिएगा तो निसंदेह आपको एक बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाएगी। एक और चीज़ जो सवाल आपके मन में है कि ऑनलाइन परचेस करें या ऑफलाइन परचेस करें, तो आप वाईफाई कैमरा निश्चित तौर पे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, क्योंकि वाईफाई कैमरा जो सेलर है इजविज आपका अमेजोन पे सेलर है, इसके बाद आपका इजी लाइफ सी प्लस का है, IMOU का ऑथोराइज सेलर है आपका, तो आप आसानी से परचेस कीजिए। लेकिन याद रखिएगा, ऑथोराइज सेलर से परचेस कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक है, अगर आपको कोई कैमरा लेना है तो देख लीजिएगा, वहाँ से जो बेस्ट लगेगा आप परचेस कर लीजिएगा। ऑफलाइन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वाईफाई कैमरे में ऑफलाइन में काफी ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं और ऑफलाइन बेस्ट नहीं हो पा रहा है। और इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस इतना आसान है, आप मेरे वीडियो में यूट्यूब के कई वीडियोस में कंपनी भी सपोर्ट करती है, तो खुद से आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन परचेस कीजिए तो बेस्ट रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। वाईफाई कैमरा, IP नहीं, वाईफाई कैमरा ऑनलाइन परचेस करना सही रहेगा आपके लिए।